दुर्ग के राजीव भवन में राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने पत्रकार वार्ता ली और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस जो कहती है वो करती है और भाजपा सिर्फ आम जनता को झूठा आश्वासन देकर अंधेरे में रखती है। दुर्ग के राजीव भवन में कांग्रेस की राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार के झूठे वादों की पोल खोलते हुए अपनी बातें मीडिया के सामने रखी। इस दौरान हेमा देशमुख ने कांग्रेस द्वारा महिलाओं को 15,000 रुपये सालाना देने की घोषणा की। गौरतलब है कि दीपावली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी पूजा के दिन कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च करने का निर्णय लेकर कांग्रेस सरकार बनाने की बात कही। इसके साथ ही प्रेस वार्ता में कांग्रेस सरकार द्वारा कई योजनाओं में कार्य किए जाने की बात कही। इस दौरान प्रेस वार्ता में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, कन्या ढीमर, अनीस रजा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दीपावली के त्यौहार के अवसर पर महिलाओं के लिए सौगात दिया, तो सबसे पहले मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पर हमारे आदरणीय ऊर्जावान महापौर धीरज जी उपस्थित हैं, साथ ही अध्यक्ष लिया पटेल जी हैं, प्रवक्ता हमारे नासिर जी हैं और राजनांदगांव के प्रवक्ता रुपेश दुबे जी भी हैं, रजा जी भी हैं, महिला अध्यक्ष भी हैं। महिलाओं के लिए घोषणा करना और अमल में लाना दो अलग अलग चीज़ें होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भरोसे की सरकार रही और माटी पुत्र किसान पुत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो कहा सो किया। उन्होंने महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना लाई, जिसके अंतर्गत ये घोषणा किया है कि चुनाव के बाद हम अपनी गृहलक्ष्मी को, घर की लक्ष्मी गृहलक्ष्मी कहलाती है, गृहलक्ष्मी को सालाना 15,000 रुपये देंगे। साथ ही चूँकि महंगाई बढ़ रही है, मोदी जी सिलेंडर के रेट बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं को 500 रुपये सब्सिडी देने की भी घोषणा की है, यानी सीधे उनके खाते में सिलेंडर लेने पर 500 रुपये जाएगा। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने का, महिलाओं पर आर्थिक भार ज़्यादा पड़ने के कारण मुख्यमंत्री जी ने 200 यूनिट बिजली बिल की निःशुल्क करने की भी घोषणा की है। महिलाओं का जिन्होंने कर्जा लिया है, महिला समूह जो है हमारी, उनके ऋण माफ़ की भी घोषणा की। आप देखिए, अगर गृहस्थी की बात होती, जहां हमारी सरकार चावल दिसंबर महीने तक निःशुल्क दे रही है और लगातार हर प्रकार हर घर में चावल की उपलब्ध करा रही है, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो हम काम इससे भी आगे कर रहे हैं। अगर पेट की बात करते तो चावल निःशुल्क दे रहे हैं, शिक्षा की काम करते तो आत्मनंद स्कूल के माध्यम से दे रहे हैं, अगर बिजली की बात करते हैं तो 200 यूनिट निःशुल्क दे रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं को अभी वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट माध्यम से शहरी क्षेत्र में गोठान के जरिए हम सशक्त बना रहे हैं। जहां हमारी मिशन क्लीन सिटी चलती है, उसके अंतर्गत महिलाओं की तनख्वाह कभी 5,000 थी, उसके बाद 6,000 हुई, आज 7,200 हो गई है। साथ ही हमारे आंगनबाड़ी और के सहायिका और कार्यकर्ताओं की तनख्वाह भी बढ़ा दी गई है, मानदेय बढ़ा दी गया। इस प्रकार हमारी सरकार की सोच महिलाओं को सशक्त करना और लगातार इस पर प्रयास कर रही है, महिलाएं सशक्त हो रही है। बिहार के महिलाओं को रोज़गार दिया गया, आज हमारी महिला जो हमारी कर्मी काम करती है एमसीसी के माध्यम से, गोठान के माध्यम से जो देती है, उनकी राशि भी उन तक जाएगी। और जब शिक्षा की बात आती तो केजी से पीजी तक की एजुकेशन को निःशुल्क कर दिया गया है। तो हमारी सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है, लेकिन वही बीजेपी सरकार जिन्होंने इस समय चुनाव में पता नहीं किस आधार पे 12,000 की घोषणा तो किया, ठीक है, लेकिन फॉर्म भराना शुरू कर दिया और यही फॉर्म कचरे के डब्बे में मिला तो शराब की दुकान में, चखने सेंटर में मिला, तो कहीं होटल में भजिया और पकौड़े खाने में मिला। ये महिलाओं के साथ छल किया गया है, गृह लक्ष्मियों का अपमान किया गया, फार्म तो भरा गया लेकिन उसको डस्टबिन में डालना गया। ये सोचने की बात है, ये भाजपा की फितरत है, हर बार घोषणा करते, देखिए देती कुछ नहीं है। 15 लाख की घोषणा की नहीं दी, 2.5 लाख रोजगार की घोषणा की नहीं दी, तो इस प्रकार ये बातें करते हैं, महिलाओं के लिए कुछ करते नहीं है। सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए थे, चुनाव पास आने पर उस पर कुछ कम किया गया, लेकिन उससे कोई राहत नहीं। तो सही मायने में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी महिलाओं के लिए सोचते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।